वेलकम टू गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी। तो पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने बात करी थी सूर्य ग्रहण की 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि इन राशियों पर ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव कौन सी राशियों में सबसे ज़्यादा पड़ेगा और उन प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय, साथ ही हम जानेंगे कौन सी राशियों को मिलेगा लाभ इस सूर्य ग्रहण से। पर उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा 10 जून को, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मेष, मीन और वृष राशि पर पड़ने वाला है। इस बार लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो वल्याकार सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को 97% तक ठक लेगी। इस दौरान सूर्य अंगूठी के समान दिखाई देगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण में शनि जयंती भी पड़ रही है, इस कारण मौसम में अचानक बदलाव और प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका रहेगी, साथ ही दुर्घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व होने के साथ ही साथ धार्मिक और ज्योतिष महत्व भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का मनुष्य के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके लिए कई प्रकार की सावधानियां भी बताई जाती हैं। वहीं विज्ञान इसे एक खगोलीय घटना मानता है। यदि आपको 10 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण का सही समय व सूतक काल जानना है तो आई बटन पे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही उस वीडियो में ये भी जान सकते हैं कि यह सूर्य ग्रहण किस किस जगह दिखेगा। सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को लग रहा है। सूर्य ग्रहण के दिन शनि जयंती भी है, यानी सूर्य पुत्र शनि की जयंती पर सूर्य ग्रहित रहेंगे। भले ही यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा लेकिन इसका असर यहाँ भी पड़ेगा। सूर्य के दूषित किरणों का असर धरती पर प्राकृतिक आपदा महामारी के रूप में दिखाई देगा। 10 जून को वृष राशि मृगशीर्षा नक्षत्र में लगने वाले सूर्य ग्रहण के पहले सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। इस ग्रहण का 12 राशियों के जातकों पर, खासकर मेष, मीन और वृष पर गहरा असर पड़ने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण का हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा व हमारे जीवन पर क्या असर होगा। मेष पर सूर्य ग्रहण का असर, संतान को लेकर सावधान रहें, वाणी पर नियंत्रण और विवाद से दूर रहें। पैसों की तंगी और काम में धन हानि के आसार हैं। जातक को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पेट दर्द की समस्या से 2-4 दिन हो सकते हैं। उपाय, ग्रहण के बाद स्नान दान के साथ सूर्य मंत्र का जाप करें तो लाभ मिलेगा। बात करते हैं वृष राशि की। ग्रहण के फल स्वरूप इस राशि के जातक नौकरी और व्यवसाय पर विशेष नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा, सेहत पर भी असर पड़ेगा। जातक का आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्यार को रिश्ते का नाम देंगे, आर्थिक लाभ में परिवार का सहयोग मिलेगा। उपाय, विष्णु मंत्र का जाप करें, हर परेशानी दूर हो जाएगी। मिथुन राशि फल, इस राशि के लोगों को चाहिए कि अपने संबंधों को लेकर सजग रहें, नहीं तो बुरा असर पड़ेगा। अचानक धन लाभ की संभावना है, वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी, सेहत का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। उपाय, महामृत्युंजय जप मंत्र का जाप करें। तो अब जानते हैं कर्क राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का असर। ऑफिस या व्यवसाय में सजग रहें, विरोधी हानि पहुंचाएंगे, विवादों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन संबंधी परेशानी खत्म होगी, कोई डील या निवेश में लाभ मिल सकता है। उपाय, कुबेर यंत्र स्थापित करें। सिंह राशि फल, इस राशि के जातक का धर्म कर्म में मन लगेगा, धन लाभ नौकरी और संतान सुख मिल सकता है,
दिया हुआ या रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। व्यवसाय स्थिति अच्छी बनी रहेगी। सेहत के लिए बाहर जाने से पहले एहतियात बरतें। उपाय: ओम भास्कराय नमः मंत्र बोलते हुए ग्रहण के बाद गंगा जल छिड़के तो लाभ मिलेगा। बात करते हैं कन्या राशि फल की। रिश्तों को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। किसी को उधार देने से बचे और नौकरी में सावधानी रखें। कुछ नया हो सकता है जिसका असर कन्या राशि वालों के रिश्ते पर पड़ेगा। माँ की सेहत को लेकर सहज रहे, नहीं तो परेशान होंगे। उपाय: ग्रहण के बाद स्नान। बात करते हैं तुला राशि फल की। ग्रहण के बाद जरूरतमंद की मदद करेंगे तो लाभ मिलेगा। मानसिक तनाव से दूर रहकर काम करेंगे तो परिणाम सकारात्मक मिलेगा। विदेश में कारोबार के विस्तार का अवसर मिलेगा। सरकारी कामों में लाभ मिलेगा। उपाय: नीला वस्त्र पहने और सफेद चीजों का दान करें। वृश्चिक राशि फल। व्यापार व नौकरी में लाभ मिल सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। परिवार और सेहत से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अकस्मात धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। उपाय: जलेबी को गरीबों के बीच बांटेंगे तो अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का असर। किसी भी काम में निवेश से लाभ मिलेगा। धन लाभ करियर शिक्षा में अपार सफलता की संभावना है, लेकिन शारीरिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार में भी किसी को की बीमारी से हताश हो सकते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए क्या उपाय है वो भी जान लेते हैं। गणेश स्तुति के साथ 11 दीप जलाकर नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं धनु राशि वाले। तो अब जानते हैं मकर राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का असर। धन की हानि हो सकती है। खुद पर भरोसा रखें और सेहत को लेकर सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यात्रा की योजना भी बन सकती है। किसी मांगलिक आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। बाहर के लोगों की मदद करेंगे तो सुकून मिलेगा। उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें, धन स्वास्थ्य लाभ होगा। कुंभ पर सूर्य ग्रहण का असर। तो जानते हैं ग्रहण के बाद इस राशि के जातक को विशेष सावधानी की जरूरत होगी। दान और ईश्वर का ध्यान करें। अचानक धन लाभ हो सकता है। बड़े भाई से सकारात्मक सुझाव, धन लाभ की संभावना है। सेहत का ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय: दही का दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। शिव परिवार की पूजा करें तो लाभ मिलेगा। मीन पर सूर्य ग्रहण का असर। इस राशि के लोगों को लाभ होगा। दाम्पत्य व प्रेम संबंधी जीवन में प्यार बना रहेगा। व्यापार में थोड़ा झटका लगने की संभावना हो सकती है। पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। व्यवसाय में निवेश करेंगे तो आर्थिक परेशानी दूर होगी। उपाय: शहद का दान करेंगे तो आर्थिक लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही राइट हैंड साइड पे एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।